कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि पीएचपी फॉर बिगिनर्स, और उसके अंदर हम अभी तक जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। हम ऑपरेटर्स का टॉपिक यानी कि पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, अर्थमेटिक के अलावा मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास कितने वो हैं ऑपरेटर्स हैं। चार किस्म के ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, आज हम रिलेशनल पे आते हैं। मैं एक फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ, रिलेशनल डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पर मैं पीएचपी ऑन कर ली मैंने। मैं सबसे पहले कमेंट्स में कुछ लिखूंगा अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड कंपेयर टू वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं? दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए। ठीक है, बताने के लिए कि क्या फला वैल्यू फला से बड़ी है या फला वैल्यू फला से छोटी है, या उसके बड़ी है या उसके बराबर है, या छोटी है या बराबर है, या सिर्फ बराबर है या बराबर नहीं है। ऐसे यही ऑपरेटर्स यूज होते हैं हमारे पास रिलेशन के अंदर, के ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, यूज क्यों होते हैं? कंपैरिजन कराने के लिए। भाई कंपैरिजन किसके बीच में होगी? वैल्यूज के बीच में। किसके बीच में होगी? वैल्यूज के बीच में। आप देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स का इस पे वैसे ज्यादा अच्छे से और सुटेबल से प्रोग्राम इफ कंडीशन पे ज्यादा अच्छे से हो सकते हैं, मगर अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं, तो फिलहाल हम बेसिक उस पे सिर्फ उसका एक सेंटेंस देखेंगे, यूजेज देखेंगे कैसे कर रहा है। अदरवाइज बाकी इस पे और फर्दर जो हम काम करेंगे, इस पे जो टास्क बनाएंगे, असाइनमेंट्स बनाएंगे, वो विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन वगैरह पे ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर की एक खासियत है, रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न वैल्यू इन बूलियन फॉर्म। जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, जब वो दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करता है और जो आउटपुट जनरेट करता है वो हमेशा बूलियन फॉर्म में होता है, यानी कि या ट्रू या फॉल्स। ऐसे अब यहां आ जाते हैं, देखें मैं फॉर सपोज के दो वेरिएबल्स बना लेता हूं, एक का वैल्यू है एनीथिंग एंड बी का वैल्यू है 4 या इसको 5 कर देता हूं। ठीक है, मैं इनमें कंपैरिजन कैसे कराऊं? मैं क्या कर लेता हूं, डायरेक्ट इको में आ जाता हूं। कहां? इको में आ जाता हूं, स्पेस देने की अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रोसेस में इसको चेक करा लेता हूं। ठीक है कि भाई ए जो है अब जो यहां पे जो कंपैरिजन हो रही है, याद रहे ये एक स्टेटमेंट चेक हो रही है कि बराबर है या नहीं है। अगर आंसर ट्रू होगा, अगर आंसर ट्रू होगा तो बूलियन फॉर्म की वजह से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या जनरेट करेंगे? 1। ठीक है, पीएचपी के अंदर डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स कीवर्ड प्रिंट होकर नहीं आता, बल्कि 1 या 0 में आउटपुट आता है। 0 मींस फॉल्स एंड 1 मींस ट्रू। अब ये क्या ये ट्रू है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू बी, ये वैल्यू यानी कि ये जो मैंने बनाया है ये कंपैरिजन के बाद वैल्यू क्या जनरेट करेगा? 1 जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? क्योंकि हाँ वाकई ए जो है वो छोटा है बी से, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। तो देखें मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, मैं ये फाइल रन कर लेता हूँ, देखें मेरे पास 1 जनरेट हो गया। ठीक है, आगे मैं लिखवा भी लेता हूँ, गलत आउटपुट इज 1। ठीक है, पर अगर यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो भाई ए बड़ा है बी से, मैं चेक करवा रहा हूं कि क्या ए बड़ा या बराबर है बी के, तो है ही नहीं, तो ये क्या जनरेट करेगा? तो 0 प्रिंट नहीं होगा यहां।
आउटपुट नहीं आ रहा, इट मींस के पीएचपी के कुछ वर्जन पहले तक भी हमारे पास जीरो प्रिंट होकर आता था, पर अब हमारे पास फॉल्स की वैल्यू यानी कि जीरो अलग से प्रिंट नहीं होता, फिर इसको हम इफ कंडीशंस की मदद से फिर इजीली हैंडल कर सकते हैं। मगर अब जो है हमारे पास डायरेक्ट जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो डायरेक्टली जीरो यानी कि आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहे, यानी कि आउटपुट नहीं आ रहा, इट मींस के देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है, इट मींस के वो फॉल्स है। क्लियर भाई? इसी तरह से मैं अगर ऐसे चेक करा लूं तो अभी भी फॉल्स है। याद रहे कंपैरिजन सिर्फ दो नंबर्स के बीच में जरूरी नहीं है, दो नंबर्स के बीच में जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे अली लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अब ये सही है या गलत है? ठीक है, मैं थोड़ा सा और चेंजिंग करके देख लेता हूं, 1 2 3 एंड 1 2 3 सही है या गलत है? क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है? अब आप लोग मुझे बताएं कि देखें मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, कोटेशंस में है, जबकि बी की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का जो ऑपरेटर यूज किया है, क्या ये मुझे देगा आउटपुट ट्रू में? ये मुझे बिल्कुल ट्रू में आंसर देगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम सिर्फ इक्वल टू चेक कराते हैं तो वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है कि भाई 1 2 3 है या नहीं है, वैल्यू सेम है या नहीं है, बैकग्राउंड में डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा। पर अब डेटा टाइप चेक करेगा अगर आप तीन बार यूज करोगे। अब ये मुझे क्या यहां पे आउटपुट देगा? जीरो। मींस के अब हमारे पास इस यानी कि वैल्यू के सेम होने के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी सेम होना लाजमी। मोस्टली ये चीजें हमारे पास फॉर्म वैलिडेशंस के अंदर यूज होती है, मोस्टली फॉर्म वैलिडेशंस के अंदर ये चीजें लाजमी यूज होती है। अक्सर आपने देखा होगा प्लीज री इंटर करें, कभी कभी पासवर्ड री इंटर करवाते हैं, कभी कभी ईमेल री इंटर करवाते हैं, चेक हो रहा होता है, तो अक्सर वहां पे इस टाइप के कंडीशंस में हम ये चीज यूज करते हैं। भाई क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ करते क्या है, कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज के बीच में और हमें आउटपुट जो है वो रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स में। क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ऑपरेटर्स के अंदर हम लॉजिकल भी आज ही पढ़ लेते हैं और हम अभी लॉजिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट इको में करा दिया, आप तीसरा वेरिएबल बना के उसके अंदर करा दें, इनका जो आउटपुट होगा वो उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, यानी कि इन फॉर्म ऑफ जीरो या वन उसको आप इको कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, लॉजिकल भी हम आज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हम यानी कि अरिथमेटिक एंड रिलेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स आज ही कंप्लीट कर लें, कल हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे देख लें। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक न्यू फाइल बना लेता हूं, उसको मैं सेव कर देता हूं, लॉजिकल डॉट पीएचपी, एंड यहां पे अगेन मैं कमेंट्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स Also return value in boolean. ठीक है, देखें दोनों का सेम काम है मगर फर्क क्या है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। एक चीज तो यह कि भाई रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करता है सिर्फ दो वैल्यूज को, जबकि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस के बीच में कंपेरिजन करता है, ठीक है, और दूसरा क्या कि वहां पे एक ही चीज रीड हो रही होती है, भाई सही है या गलत है। ठीक है, यहां पे मल्टीपल कंडीशंस के बीच में भी कंडीशन चेक होगी और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एंड और एंड नॉट। एंड ऑपरेटर की हमारे पास जो खासियत है वो क्या है कि ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। भाई एंड ऑपरेटर तब ही आंसर ट्रू जनरेट करता है, यानी कि वन जो है वो तभी जनरेट करता है जब
जितनी भी conditions के बीच में आप comparison check कर रहे हो, वो सब के सब true होना लाजमी है। इसी तरह से और operator के अंदर क्या है, any one must be true, ठीक है। एंड नॉट ऑपरेटर की खासियत क्या है कि वो सही को गलत और गलत को सही कर देता है। नॉट ऑपरेटर पे हम बाद में काम करेंगे, वो मैं आपको यानी कि डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से नॉट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। देखिए भाई, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना दिया जिसकी मैंने कोई भी वैल्यू रख दी, और एक दूसरा वेरिएबल बना दिया जिसके मैंने कोई भी वैल्यू रख दी, ठीक है। इको के अंदर आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट इज, यहां आकर मैं एक कंडीशन चेक करा लेता हूं कि भाई क्या मेरा वन जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है, ठीक है। एंड क्या मेरा जो बी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। दो कंडीशन चेक हो रही हैं, एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई। भले अपने इजीनेस के लिए आप इनको भी अलग से प्रेसेस दे दो, मसला नहीं, ताकि पता चले कि दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। पता चल रहा है, दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं और कंडीशंस के बीच में क्या चेक हो रहा है, एंड ऑपरेटर चेक हो रहा है कि भाई यानी कि एंड ऑपरेटर अगर आ गया तो यानी दोनों का सही होना लाजमी है हर हाल में, ठीक है भाई। क्या मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, ए छोटा है बी से, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन ट्रू है, बी बड़ा है ए से, बिल्कुल, दोनों सही है। तो मींस के ये मुझे क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, मैं वापस आकर यहाँ पे लॉजिकल वाली फाइल खोल कर आउटपुट इज, पर अगर मैं इनमें से कोई एक भी गलत कर देता हूं, देखें बी जो है वो छोटा है ए से जबकि पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो ये मुझे तब भी यानी कि फॉल्स ही बताएगा भले एक ट्रू क्यों ना हो। याद रहे यहाँ पे तो सिर्फ दो कंडीशन चेक हो रही है, आप मोर देन टू यानी कि हंड्रेड कंडीशन भी चेक करा सकते हो, और उनमें अगर 99 कंडीशन भी ट्रू है और सिर्फ एक फॉल्स है, एंड ऑपरेटर तब ही आंसर क्या देगा, फॉल्स ही देगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, हर हाल में सभी कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी। जबकि अगर मैं यहां पे और ऑपरेटर यूज कर लूं तो अब ये ट्रू देगा भले एक फॉल्स क्यों ना हो। क्लियर, कोई क्वेश्चन? एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो हमारे पास ये यानी कि ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी से और बहुत ही अच्छे से डिस्क्रीट मैथ्स एंड डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। मोस्टली डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर ये चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, जहां पे एंड ऑपरेटर का काम एंड और ऑपरेटर के लिए वहां पे ट्रुथ टेबल्स भी बनाए जाते हैं और ट्रुथ टेबल की मदद से इजिली वहां पे समझाया जाता है। अब यहाँ पे मैं एडिटर में यहाँ पे ट्रुथ टेबल तो बना नहीं सकता, इस वजह से आई होप कि ये आपको फिर भी इजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई कंफ्यूजन? डीएलडी के अंदर तो गेट्स पे पूरा काम होता है, ठीक है। अगर मेनी कंडीशंस आ रही हैं किस तरह से सॉल्व होंगे वो पूरा यानी कि एक यानी कि फिगर्स के जरिए डायग्राम्स के जरिए समझाया जाता है डीएलडी के अंदर। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट अलग हो गई, वो एक दूसरा चार्ट होता है, ठीक है भाई। एनी क्वेश्चन यहां तक, कोई कंफ्यूजन? तो आप लोग यानी कि इस पे आप प्रैक्टिस करें ऑन अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑन रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इंशाल्लाह कल हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ के उसके बाद हम यूजर इनपुट पढ़ेंगे कि किस तरह से यूजर से इनपुट लिया जाता है इन पीएचपी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।